एक्स्ट्रा हेपैरिक बिलेरिया पैराटिस का इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे बी डी चौरा से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम टू से चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू है अच्छा इस चैप्टर में आज इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि ये जो एक्स्ट्रा हेपेरिक बिलेरिया पैराटिस है इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही आसान और कॉमन टर्म्स में मिक्सअप कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल हेपैरिक डट क्या होती है कॉमन हेपैरिक डक्ट क्या चीज है सिस्टिक डक्ट क्या चीज है कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट क्या चीज सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमिन है और इस नॉमिन में स्टूडेंट्स अक्सर गड़बड़ करते हैं सो so, मैंने ये सोचा कि जो चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसको भी मैं तीन वीडियो में स्प्लिट करूंगा आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने लगा हूं कि एक्स्ट्रा हेपेरिक बिलियरी अपैरेटस का मतलब क्या है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं एक्स्ट्रा हेपेरिक बिलियरी अपैरेटस देखिए जैसे कि नाम से जाहिर है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रापैरिक यानी ये जो भी आ, apparatus जिसकी हम बात करेंगे दिस इज आउट ऑफ द लिवर लिवर से बाहर है इसीलिए इसका नाम एक्स्ट्रा हिपैरिक है बिलियरी क्योंकि इट डील्स विद बाइल अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करते हैं कि बाइल से इसका क्या कनेक्शन है एंड अपराडस इज ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स राइट Now, uh, मैं ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको पढ़ाता भी हूं लेकिन पहले मैं यहां पे कॉन्सेप्ट दे दूं और इस प्लेलिस्ट में जो हम एपडेम की अनाडमी पढ़ रहे हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 22 जो है किन हेडिंग्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी अभी मैं आपको ब्रीफ uh, कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि अगली दो वीडियोज कौन से आने वाली हैं तो टोटल इस चैप्टर की चैप्टर नंबर ट्वेंटी की टोटल आई विल मेक थ्री वीडियोज एक आज की वीडियो है जिसमें हम इंट्रो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो एक वीडियो होपफुली नेक्स्ट जो अपलोड होगी वेरी सोन दैट विल्वन और फिर विल थ्री मेजर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर टूडे इज द इंट्रोडक्टरी डायग्राम पर हमें अगले दो तीन मिनट स्पेंड करने हैं इसको अच्छे से समझना है ठीक है ये Uh, पहले तो अपने आप को ओरिएंट कर लें कि व्हाट वी आर लुकिंग एट ये जितना भी ग्रीन स्टफ आपको दिख रहा है दैट ग्रीन स्टफ इज द बिलियरी अपरेटस और चूंकि ये लिवर के बाहर है इसीलिए दिस इज इस एक्स्ट्रा हेपैरिक अब नाउ लिवर का एक लोब इधर है दैट इज द राइट लोब ऑफ लिवर और एक लोब लिवर का इधर है दैट इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर अब लिवर के बहुत सारे फंक्शन है लिवर का काम आम इन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनमें से एक है प्रोडक्शन ऑफ बाइल अब ये बाइल का बनना वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फिन और लिवर के सेल्स में जब बाइल जेनरेट होता है जब बाइल बनता है तो वो ड्रेन होता है नीचे की तरफ इनिशियली इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ दीज टू डिच आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट हिपेरिक ड So, पहला इस पूरे ब्लेयरियपेट्स का जो पार्ट है वो है हेपेरिक्स राइट और लेफ्ट डक्ट ऑब्वियसली राइट डक्ट जो है वो राइट साइड से आएगी और जो लेफ्ट डक्ट है इट इज कम आउट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओके सो एक्स्ट्रा बिलियरी जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बाइल का उसमें जो पहला स्ट्रक्चर आया दैट इज द डक्ट्स डक्ट्स अब ये दोनों मिलकर जो डक्ट बनाते हैं उसे नाम देते हैं कॉमन डक्ट डक्ट सो कॉमन इज द डकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स्ट्रा बिलियरी बिलियरी यू नो एक्स्ट्रा हेपैरिक बिलियरीपेरिक्स पहला राइट एंड लेफ्ट हेपैरिक डक्ट्स दोनों मिलकर क्या बना देंगे कॉमन है डक्ट अब देखें जब कॉमन है डक्ट नीचे की तरफ मूव करती है तो इसमें एक और डक्ट यहां आके इसको ज्वाइन करती है इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रोहेपैरिक बिलियर पैराडा ओके सिस्टिक डक्ट इज एक्चुअली राइजिंग फ्रॉम दिस बॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा हैपेरिक बिलियर पैराडस तो हो क्या रहा है हो यह रहा है कि लिवर से जो बाइल जनरेट हो रही है वो इनिशियली किसमें एंटर होती है राइट एंड लेफ्ट में राइट और लेफ्ट लेफ्टेपेरिक मिलकर क्या बनाते हैं कॉमन हेपैरिक ड इस कॉमन हेपैरिक ड का कनेक्शन किस ड के साथ है सिस्टिक डक्ट और यहां पे ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द गोल्ड ब्लैडर गोल्ड ब्लैडर में एक्चुअली बाइल स्टोर होता है दिस इज स्टोर हाउस फॉर बाइल और बाइल यहां से निकल कर जा सकता है इस में और होने गॉल ब्लैडर में सो so बेसिकली जो सिस्टिक टू वे हाईवे यानी कॉमन हेपेरिक से बाइल को लेके आता है गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर से बाइल को लेके आता है कॉमन हेपेरिक डक्ट में अब बात यह है के जो कॉमन हेपेरिक डक्ट है जब वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिल जाती है तो इस पॉइंट के आगे इसको नाम दिया जाता है बाइल डक्ट। क्या नाम देते हैं इसको दिस इज नाउ नोन एज द डक्ट और ये बाइल डक्ट इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेरिक बिलियरी सिस्टम ये बाइल डक्ट नीचे की तरफ मूव करती है और में एंटर होती है लेकिन एंटर होने से पहले इसको कनेक्ट करती है एक और डक्ट जिसका पेंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक से ऑर्गन के साथ आ रही होगी पेंक्रिया से तो इसमें पेंक्रियाटिक जूस आता है अब आप ये देखें ये पेंक्रियाटिक डक्ट है और ये बाइल डक्ट है और ये दोनों मिलकर एंटर हो जाते हैं कहा

है बाइड तो पांच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं यहां पर जो मिलकर बनाते हैं क्या एक्स्ट्रा ओके सो द एक्स्ट्रा हिपेरिक कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम द लिवर स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर एंड ट्रांसमिट्स इट टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिडनम

कंफ्यूज करते हैं और नाम ले रहे होते हैं बाइल डक्ट का लेकिन उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है सिस्टिक डक्ट 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 या कॉमन और बाइल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो ये जो डायग्राम है ना इसको याद रखना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है ठीक है सो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी अपैरेटस में क्या क्या चीजें शामिल हैं राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डट ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं कॉमन हेपैथिक ब्लैडर में स्टोर होता है गॉल ब्लैडर का कॉमन हेपैथिक के साथ कनेक्शन सिस्टिक डक्ट और जहां कॉमन हेपैथिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं तो फिर उसे हम क्या नाम देते हैं बाइल डक्ट ठीक है duct, तो ये बेसिकली पूरा जो uh, पांच कॉम्पोनेंट हैं ये मिलकर कहलाते हैं ऑल दे कंबाइंडली आर नोन एज एक्स्ट्रा एस एक्सट्रापैरिक ओके तो अब मैं करूंगा ये कि आज ये इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया कि है क्या बेसिकली ठीक है इस डायग्राम को मिटा रहा हूं और दोबारा एक दफा बना के दिखाता हूं बिकॉज दिस इज वर्थ रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस ये जो पूरी डायग्राम है

Ducts, दो मिलके बनाते हैं कॉमन कम्युनिकेशन है बाइल डक्ट और ये बाइल फिर एंटर हो जाती है पेंक्रियाटिक के साथ मिलकर इन टू द डिओनम यानी अगर बाइल फ्लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द बाइल फ्लो फ्रॉम द लिवर इन टू द राइट एंड द लेफ्ट

दैट वन पर्टिकुलर वर्ड जिस पर एक पूरा अलग से चैप्टर दिया बी डी चौरासिया में इज वेरी वेरी हाई अब करूंगा ये कि अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी डॉ पढ़ा दूंगा राइट एंड लेफ्ट हेपेरिक डस जो गई, which is the bladder, इस, so, इस चैप्टर की तीन वीडियो बनाने लगाऊ आज की इंट्रोडक्टरी के बाद अगली वीडियो होगी तमाम डक करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो होगी एक सेपरेट वीडियो गोल ब्लैडर पर दिस इज ऑल फॉर टूडेडियो इंट्रोडक्शन टू एक्स्ट्रा हिपेरिक बिलियरी सिस्टम दिस इज द डायग्राम टू मास्टर लेडीज इन जेंटलमैन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ